ओ भाई, ये देखो ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं। ढाई हाथ, 2.5 किलो का हाथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है अमित नेगी, मेरे गांव का नाम है तेला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज बहुत दिन बाद मौसम खराब सा लग रहा है और छोटा भाई भी आज प्रदेश की ओर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो बड़ा बेकार सा भी लग रहा है। सुमित 3-4 दिन के लिए ही घर आया, बाकी अब जा रहा है। कभी पोखरी मेले में रहा, कभी गोचर मेले में रहा, बाकी ढंग से मिल भी नहीं पाया घर पे, लेकिन अब जा रहा है। पापा तो अभी 1-2 दिन घर पे ही रहेंगे। ए, उस कुत्ते को, इसको भी ले जाएगा। हेलो। और सुमित को मैं लेके जाऊंगा तिलवाड़ा तक, क्योंकि अभी गाड़ी लगती नहीं है और सवारी होने में बहुत समय लग जाता है, तो तिलवाड़ा बाजार तक मुझे ही जाना पड़ेगा। देखो भाई, मम्मी का मन नहीं मान रहा है, तो इसलिए वहाँ दूर तक आ रही है छोड़ने के लिए। ऐसा पहली बार हुआ होगा कि चाबी छोड़ गई, क्योंकि अभी अभी जैकेट चेंज की मैंने। ये देखो भाई, यहीं तक आ गए। साक्षी क्यों आई? ये रो देखो, सुमित बना पड़ा है डोरीमोन। इधर देख तो, मम्मी यहाँ रोने लग गई एकदम। दोस्तों, पहाड़ों में ऐसा ही होता है, सारी महिलाएं रोने लग जाती है जब भी उनका लड़का कहीं बाहर जाता है। पहाड़ी लाइफ ऐसी है कि बेरोजगारी यहाँ पे इतनी ज्यादा है, अगर पहाड़ों में ही रोजगार होता तो बाहर क्यों जाना पड़ता हम लोगों को। कोई होटल लाइन में है, तो कोई आर्मी लाइन में है, साल में 2-4 दिन के लिए घर आना होता है और 2-4 दिन की खुशी होती है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि दिन भर काम ही काम रहता है। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी उत्तराखंड, हिमाचल ऐसी जगह पे है, इसी वजह से यहाँ से पलायन भी हो रहा है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और घर छोड़ के, मतलब अपना घर बार पूरा छोड़ के नीचे जा रहे हैं। और जिनके पास नीचे जाने के लिए पैसे नहीं है, वो घर ही पे रहते हैं। बाकी हम यूट्यूब पे हैं, तो इस वजह से आप लोग से जुड़े हुए हैं, अपने घर परिवार के साथ हैं। अगर यूट्यूब पे नहीं होते तो मैंने भी आज सुमित की तरह जॉब पे रहना था कहीं ना कहीं। आप लोग यूट्यूब पे भी प्यार देते रहना। रिंकू का घर आ गया, ये परेशान करेगा, एक डॉग का नाम है, वो हमारी आवाज़ सुनते ही भाग काटने आता है। नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया। ये भयंकर ही है यार, 200 मीटर दूर तक पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ये। दोस्तों ठीक है, तब जा। ठीक है, बाय। इसके साथ इसका दोस्त भी मिल गया है। सॉरी, अभी सुमित को बाइक में ले जाने के लिए आ रखा था और हेलमेट भी ले आया था। बाकी गाड़ी मिल गई तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान हो रहा था और इस वजह से बहुत बढ़िया हुआ कि बाजार जाने वाली गाड़ी मिल गई है, और वो भी इतने बढ़िया टाइम पे मिली है। जैसे हम यहाँ पे पहुँची, गाड़ी वहाँ से भरी हुई आ रही थी। अब ये रिंकू फिर परेशान करेगा घर जाने से पहले। ये देखो, हमारे दादाजी भी मस्त पहाड़ी हुक्का पी रहे हैं बैठ बैठ के। बुजुर्ग लोग हो गए हैं तो मस्त करके अपना टाइम पास करते हैं। अबे भाई, घर जान दे यार। अब जैसे जैसे ये बड़ा होगा, इसकी हिम्मत बढ़ती रहेगी, एक दिन तो ये मेरे को काटने आ ही जाएगा भाई। गाइस, यहाँ दराती छोड़ रखी है, ये काम है साक्षी के। कल हम यहाँ घास के लिए आ रखे थे और मैं तो उससे पहले चला गया था, वो मेरे तुरंत बाद आई। जल्दी जल्दी मैं दराती यहीं भूल गई, और ऐसे कितनी बार भुलक्कड़ बन गई है, कभी कुल्हाड़ी छोड़ देती है तो कभी कुल्लू ही छोड़ देती है। पहाड़ी नींबू खाने आ जाओ गाइस। ये देखो कितने सारे हो रखे ना, आपको दिखाऊं तो, इस पेड़ पे देखो कितने सारे लटक रहे हैं। कुछ हमने निकाल दिए और कितना बड़ा साइज है इनका। कुछ इस वाले पेड़ पे हैं, देखो नीचे लटके पड़े हैं, ये अभी हमने निकाले नहीं हैं। सबसे बढ़िया बात है, इनको बंदर नहीं खाता। अगर बंदर खाता तो हमारे घर के बाहर संतरे हो रखे थे, वो भी नहीं छोड़ रखे बंदर ने। तो देखो भाई, ऐसा भूल जाती है कोई सी भी चीज़ कहीं भी। कै मां लगाण छुई,
अपरिक है रिक। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। क्यों नाराज हो? क्यों ना, मैंने पहली तनख्वाह मेरे हाथ में आई सारी। दादी नाराज हैं, भले पहली तनख्वाह मेरे हाथ में आई। अब दादी को पता ही नहीं है, 2 महीने से सैलरी नहीं आई मेरी, आ रखी है लेकिन बैंक वाले दे नहीं रहे। पता नहीं क्या क्या ड्रामा है, स्विफ्ट कोड लगाओ, फिर उसके बाद IFSC को, दुनिया भर की चीज़ें हैं भाई। अभी मेरे को फॉर्म फिल करने जाना है, पैन कार्ड भरना है। अभी पैन कार्ड अटैच नहीं हुआ ना मेरे बैंक में, इस वजह से शायद सैलरी आने में बहुत टाइम लग गया इस बार। दादी सोच रही है कि अब आएगी मेरी पहली तनख्वाह, जबकि 1 साल पहले आ चुकी है जब मैंने भर्ती मारी थी। इसको प्यार से भी करो, गुस्सा रहा है अभी, ये बहुत बिगड़ रहा है भाई, इसको धीरे धीरे सुधारना पड़ेगा। सीधे काटने आ रहा है ये बचपन से ही। अभी कितने दिन का, 15-20 दिन का, पता नहीं कितने दिन का है। और ये कुत्ते ऐसे, इनकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। जो जैकी था वो तो भोटिया डॉग था, उसका मुंह ही इतना भयंकर था, इतने सारे बाल थे। दोस्तों अभी हम आ गए हैं अरबी के पेड़ पे। आपने अरबी के बारे में तो बहुत सुना होगा, पहाड़ों में बहुत अरबी रहती है। और मम्मी निकाल लिए यहाँ पे, अच्छा पौधा, पापा बोल रहे हैं पौधा। तो देखो भाई ऊपर का ये हमने फेंक दिया है, मम्मी बताएगी। चलो जी, ये ऊपर के जो है इसका बनते हैं पत्तों का ना, पतूड़ बनते हैं, पतूड़ बनाते हैं, यहाँ भी बनाते हैं। और जो ये अरबी है, अब देखो ये रही हमारी अरबी, पहाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं पिनालू। ये देखो ना, ये देखो यार, दिखाओ। बाकी साक्षी भी ऊपर गौशाला के काम पे लगी पड़ी है, लगे रहो जी। इधर दिखाओ तो, ये देखो 1 किलो सब्जी 1 पेड़ में। दोस्तों अभी हमने पापा जी को बुला दिया है, मम्मी बोल रही हैं कि पापा जी का हाथ ऐसा है, जहाँ भी ये चीजें ऐसी होती हैं कि किस्मत वालों की निकलती हैं, जहाँ जहाँ आप हाथ मारोगे वहीं निकलेंगे। यू कैची, ये है भाई साहब भूत पिता का हाथ। ओ भाई ये देखो ऐसी ऐसी चीजें निकलती हैं, ढाई हाथ, ढाई किलो का हाथ। तो ये देखो ये वही है, इसकी भी सब्जी बनती है और इतनी टेस्टी बनती है, दिखाओ तो। दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, ये अगर इसको ध्यान से देखोगे, मैं गिर गया। ये देखो यार ये बिल्कुल पंजा लग रहा है, लगा रखा था हमने ये छोटा लगाया होगा मम्मी ने और इतना बड़ा हो गया। ये पहाड़ी अरवी है, पहले जंगलों में होती थी, अब घर में इसे लगा लेते हैं, 6 महीने के बाद खुदाई करके फिर इस तरह के निकलते हैं ये। अपने टाइम पे पापा बोल रहे हैं कि बहुत जंगलों में जाए, छोटी छोटी होती है। ये लाते थे जंगलों से, ये वाला, ये वाला जंगलों से बहुत गहरा निकलता था ये। और इस जंगल वाला अलग होता है, ये घर वाला अलग होता है। और ये देखो गाइस, ये हमारे पास कूलर, जब हम मुरादाबाद हरतला साइड रहते थे तो वहाँ हमने कूलर ले रखा था। और 2013-12 की बात है, 2012-13 की बात है, उस टाइम लाइट बहुत ज़्यादा भागा करती थी, आपका तो पता नहीं। और उस टाइम हमने ये कूलर ले रखा था, और जब हम घर लाए ना इसको, सब कह रहे तुम फ्रिज लिया है, फ्रिज लिया है, कूलर का मतलब ही नहीं जानते थे गाँव में कूलर क्या होता है। क्योंकि ये कूलर ही ऐसा था, देखो ऐसा फ्रिज लग रहा है। अब देखो अब इसको फेंकना पड़ा, इसके अंदर का पंखा संभाल के रखा है हमने, इसके टायर भी अभी तक हैं। इसके अंदर हम लुकाई छुपाई में छुपते थे, अब इसमें हो रखा है यूज फाइबर, तो इस वजह से ये बिकता भी नहीं, मतलब कबाड़ी वाले भी नहीं ले जाते इसको। अब यहाँ हो रखे हैं अरबी, तो मम्मी बोली इसको कहीं और रख दे, उसके अंदर रख दे उसका ढक्कन, सब रखते हैं, फिर ढक्कन फेंक देता उधर तब ले जाता ना, क्या करना, सगुआरी नहीं है इसको, देख लो गिर गया नीचे। ये बहुत ज्यादा है भाई ये, और यहाँ नीचे तक इतने बड़े बड़े, कुछ इधर भी ला रखे मम्मी ने, ये देखो इसमें भी अरबी हैं ये। एक काम तो निपटा दिया है, बाकी साक्षी करेगी लिपाई पोताई, और मैं जा रहा हूँ धारे पे पानी लेने के लिए, पानी की बहुत कमी है हमारे गांव में। पानी के धारे पे पहुंच चुके हैं, बाकी यहाँ पे नंबर लगाना पड़ता है। वैसे तो सभी के घर में नल लगे हुए हैं, लेकिन उसमें पानी आता ही नहीं है, इस वजह से ना 5-6 परिवार का एक धारा होता है, वहाँ पे भी कभी कभी आता है। और अभी यहाँ पे चाची जी का नंबर है, उसके बाद हमारा आएगा। देखो कितने सारे ड्राम लगे हुए हैं, तो पानी इतना तुर सारा है ना, आधा घंटा यहीं पे होने वाला है, मुझे भर ही नहीं रहे ड्राम जी। अभी ड्राम भी भर गया, अब चलते हैं सीधे घर की ओर। ड्राम इतना भारी है फिर भी बैलेंस बनाना आ जाता है।
बच्चे लोग भी आ चुके हैं 2 किलोमीटर दूर से कपड़े धो के। आजकल सभी बच्चों की छुट्टी है तो सभी घर पे एंजॉय कर रहे हैं। ओए क्या आराम फरमा रहा है हैं? हेलो दोस्तों, आज के दिन बहुत ठंडा लग रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है सुबह से। और ताई जी आ रखे हमारे लिए छांस लेके, बाकी मम्मी लगी पड़ी है यहाँ पे और सफाई कर रही हैं। खाली इसमें दान दान है, चक्की के आए हैं, चक्की पे ले गए थे, खाली दान दान। बहुत शिकायत आ रही है चक्की वालों की। बाकी अभी मेरा काम है इस वाले पेड़ पे चढ़ के ये वाला पेड़ काटना है गाय के लिए, गाय भैंस के लिए। और दादी भी आ चुकी है गाँव में, थोड़ा बैठने गई होंगी। इतना बड़ा पेड़ है भाई, कभी दादी ने ये पेड़ काटा होगा, आज हम पेड़ को ही काट रहे हैं। ऊपर पेड़ काटने के लिए और इतने ऊपर जा रखा है ना भैया, साथ में भैया सब्जी भी निकाल रहा है। और यहाँ पे देखो भाई, दादी टीप रही है सब्जी और भैया काट रहा है पेड़। सुबह जो हमने सब्जी निकाली थी, आज इसी की सब्जी बनेगी रात को भी। टेढ़ू पिनालू होते हैं इसके काटने के बाद, देखो ऐसा। और जो इसमें स्वाद होता है ना, वो ये लगा लो दुनिया के किसी सब्जी में नहीं होगा। A1 मम्मी भी हमारे साथ सीख गई A1। और आज काफी दिनों बाद हमारे घर पे आया प्रांजल, ABCD बॉय। हेलो माय फ्रेंड। पी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर जिराफ, एच फॉर आम, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जेट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरो, क्यू फॉर पी, आई फॉर रैबिट, एच फॉर सम, जी फॉर टाइगर, यू फॉर मैन, टू फॉर लैंड, एफ फॉर बास, एच फॉर स्पेशल, वाई फॉर यॉर्क, जेड फॉर जेब्रा। यस गुड बॉय, गुड। या इसने जहाज बनाया है, पहाड़ी जहाज, नहीं उड़ रहा है इसका। बोलना, या उड़ गया। अभी रात का समय हो चुका और मैं जा रहा हूँ अपने पड़ोस के गांव वार्ड में, हमारी ग्राम सभा में आती है जहाँ के लिए मैं बोलता हूँ फौजी गांव, और वहाँ एक फौजी भाई की शादी है। यही होता है, वीडियो अपलोड करने में बहुत समय लग जाता है गाइस। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक ही चीज साथ देती है, वो है हमारी बेबी, हमारी बाइक। तो रात के समय रास्ता भूल गया था तो भाई लोगों ने दिखा दिया मेरे को, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो रही है रात में। हमारे राहुल भाई की मेहंदी है, बहुत बहुत बधाई हो, फौजी भाई है। ये सारे गोचर से मेरी वीडियो देखते हैं। हेलो, अभी चलते हैं घर के और, बाकी आंधी तूफान आ रहा है, सुबह से ही धूप नहीं थी। चलिए गाइस, अभी अपने गांव पहुंच गया हूं, बाकी अपनी बाइक भी यहां पे खड़ी कर दी है। अब चलते हैं सीधे यहाँ से 500 मीटर दूर। रात का समय और यहाँ से घर की दूरी लगभग 500 मीटर है, और 500 मीटर चलने में ऐसा लग रहा है क्योंकि जब बाघ जैकी को लाया था तो इसी रास्ते नीचे लाया था, उसके बाल मिले थे इसी रास्ते में, तो भयंकर अजीब सा हो रहा है दिल में। माता रानी और बजरंग बली का नाम लेके चलने पर लगे पड़े हैं। जय माता दी, जय बजरंग बली। चलते रहो इस रास्ते, रास्ता बहुत खतरनाक है दोस्तों, आप देख सकते हो इधर उधर बाघ कहीं से भी झपट्टा मार सकते हैं हमारे ऊपर। बट कोई नहीं यार, हमेशा डरेंगे तो फिर रहना कैसा है, पहाड़ों में रहने के लिए थोड़ा जिगरा भी होना चाहिए जो हमारे पास है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, बाय।